प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 मैथिली शरण बुक केकई का अनुवाद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथिली शरण बुक का जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण बुक का जन्म कब हुआ था? सन 1943 BC। तो हम इसमें कौन सा सन याद करेंगे? सन 1886। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में कहाँ हुआ था? चिरगांव में। कौन से? झांसी जिले का। कहाँ था? झांसी जिले के चिरगांव में। इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। क्या थे? यानी कि इनके पिता जो थे वो एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। किसको? भाई प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहाँ भेजा गया? झांसी। किंतु वहां इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। घर पर ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी साहित्य का अध्ययन किया। गुप्त जी स्वभाव में बड़े ही विनम्र। कैसे थे? गुप्त जी स्वभाव में बड़े ही विनम्र थे, हसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणा पर चित्रण है, यानी कि संस्कृति की प्रेरणा देने वाला इन्होंने अपने काव्य में चित्रण प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं। इसके कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। यानी कि भारत सरकार ने इन्हें साहित्य सेवा के लिए किससे सम्मानित किया था? पद्म भूषण से। राज्य सभा का सदस्य भी मनोनीत किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को माँ भारती का ये महान साधक पंच तत्व में विलीन हो गया था। इनका स्वर्गवास हो गया। कब हुआ स्वर्गवास? सन 1964 ईस्वी। साहित्य सेवन। गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर था। यानी कि जो इनकी कविताएं थे राष्ट्र प्रेम से ज्यादा ओत थी। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, यानी अपने देश के प्रति नवयुवकों को जागृत किया, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्य सभा का सदस्य भी मनोनीत किया। अब आती है इनकी गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की, एक अनुदित और एक मौलिक। बोलिए, दो प्रकार की, एक अनुदित और एक मौलिक। इनकी अनुदित रचनाओं में दो प्रकार के साहित्य हैं, कुछ काव्य और कुछ।
इन्होंने अनुदित ग्रंथों में संस्कृत के यशस्वी नाटक का भाग के स्वयं प्रवासवत्ता का अनुवाद विरामना, मेघनाथ व्रत संघात आदि इनकी अनुदित रचना है। इनकी प्रमुख मौलिक काव्य रचना नंबर 1 आती है साकेत। यह एक महाकाव्य है। कैसा है? महाकाव्य, जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। यानी रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ कौन सा है? साकेत। दूसरे नंबर पे है भारत भारती। इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का ध्यान किया गया है। यशोधरा, इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया, इनमें हिंदू संस्कृति के प्रमुख पात्रों के चरित्र का पुनरावलोकन कर कवि ने अपनी पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित की। गुप्त जी की अन्य प्रमुख रचनाएं काव्य है वो इस प्रकार है, रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, पंचवटी, हिंदू सैरंगी, सिद्धराज, नहुष, हिडम्बा, श्रीपतगा, काबा और कारबला, गुरुकुल, वैतालिक, मंगलगढ़, अजीत आदि, अनक, पीलोतलम, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पद रूपक भी इन्होंने लिखे। इनका साहित्य में स्थान, अब हमारा पॉइंट क्या आएगा? साहित्य में राज कवि मैथिली शरणगुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे, यानी कि सबसे प्रिय जिन्होंने राज कविता लिखी वो आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कार्य इन्होंने कर वह हमारे लिए भूलने योग्य नहीं। इन्होंने रास को जगाया, उसकी चेतना को बानी दी। ये भारतीय संस्कृति के यशस्वी उद्धाता एवं परम वैष्णव होते हुए भी विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत थी। ये सच्चे अर्थों में रास के महान मूल्यों के प्रति और आधुनिक भारत के सच्चे रास। अब आते हैं इनके पैराग्राफ, ये जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे पैराग्राफ हम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तदंतर बैठी सभा उठ से आगे नीले वितान के तले दीप बहु है जाते। यानी जब जहाँ पंचवटी में जहाँ श्री राम ने अपनी कुटी बनाई जहाँ रह रहे थे वहां पर जब कौन जब भरत जी श्री राम वहां जाकर रहते हैं तो पीछे जब भरत वापस अयोध्या आते हैं और अपने पिता का शरीर का संस्कार करने के बाद तो फिर अपने परिवार से श्री राम को वापस लेने जाते हैं तो उनके गुरु और उनके मंत्री वगैरह बहुत उनकी माताएं होती हैं। तो क्या है जब वह उनकी कुटी के सामने क्या बैठी सभा उठ के उठवाने कुटी उनकी कुटी के सामने वह सारी सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु है जाके, ऐसा लग रहा था कि नीले आकाश में यानी कि वह रंगीय प्राकृतिक दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था कि आकाश में जो तारे थे ऐसे लग रहे थे वितान बने तो नीले आकाश के अंदर बहुत सारे क्या दीपक जल रहे हैं। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, ऐसा लग रहा था कि जो देवता हैं वो टकटकी लगाए कि वहां क्या होना है कैसे उसको लगाए देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन बेहद रोके थे वे, यानी कि क्या परिणाम होना है उससे भयभीत भी थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उल्फुल करौंदी कुंज वायु रह रहे और वहां पर जो बगीचे में करौंदी के पेड़ थे उनके बीच में से झाड़ियों में से जो वायु बह बहकर चल रही थी यानी कि उनके बीच में से आ रही थी उसकी सुगंध चारों फैल रही थी। करती सबको पुलक पूर्ण महक महक कर, यानी उनके बीच में जो वायु निकल रही थी वह सबके मन को प्रसन्न कर रही थी अपनी महक के द्वारा।
वह चंद्रलोक तक वहाँ चांदनी रहती, यानी ऐसा चंद्रलोक और ऐसी चांदनी जैसे पहले कहीं देखी ही नहीं। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। अब तभी श्री राम क्या सागर के समान गंभीर पानी में बोले, यानी कि सभा की चुप्पी को तोड़ते हुए उन्होंने कहा। अब ये पैराग्राफ है, इसमें हमें क्वेश्चन आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। अब पद्यांश का शीर्षक क्या है हमें पता है, कौन सा है, केकई का अनुसार, और कवि कौन है, मैथिलीशर ग्रुप। अब दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जैसे कि इसमें नहीं किया हुआ है रेखांकित, जो भी तुम्हारा रेखांकित अंश होगा, यानी कि इसमें तो पूरे पैराग्राफ करी हुई है, तो इसमें जहां भी रेखांकित होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें इसमें इसकी व्याख्या करनी है, जैसे मैंने तुम्हें इसे समझाया। तो ये क्या है, पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात में सभा हो रही, उस सभा में अयोध्या में भरत के साथ आए हुए सभी लोग बैठे हुए हैं, उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा था कि आप तुम अपनी, श्री राम ने किससे कहा था, भरत से, कि तुम अपनी इच्छा को बताओ। तो राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने के सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आ जाता है, भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे, बताओ किसे लेने गए थे भरत, चित्रकूट राम को लेने गए थे ना, भरत राम को लेने के लिए चित्रकूट गए हुए थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अयोध्या का राज्य किसे मिला था, अयोध्या का राज्य भरत को मिला। तो आप लोगों को पता है कि जब केकई ने श्री राम के लिए वनवास मांगा था और अपने पुत्र के लिए भरत का राज्य। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार। यहाँ पर उपमा, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी, यानी उनकी गिरा की किससे की गई है, तुम सागर के गर्जन। अब क्या है इसमें अनुप्रास भी है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास भी है, ठीक है। तो अब आगे दूसरा पैराग्राफ, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र, यानी कि अब तक यही कहा गया था, जो लोग थे वो यही कहते थे कि माता न कुमाता, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, बुरी नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र बुरा भले ही कितना क्यों ना हो जाए, माता कभी भी कुमाता नहीं हो। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब सब यही कहेंगे, यानी कि विधि विधान के विरुद्ध हो गए विधाता, ये तो सब कुछ उसके विरुद्ध हो गया है, पुत्र पुत्र, यानी पुत्र तो पुत्र ही रहा, पर लेकिन माता क्या हो गई, माता हो गई, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गाथी देखा। केकई कहती है इससे श्री राम कि मैंने तो इसके बाह्य मात्र को ही देखा, बाहर से ही देखा, यानी कि इसका कितना हृदय मजबूत है, सिर्फ मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा, परमार अपना देखा, मैंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा, पूर्ण स्वार्थी साध, फिर अपने पुत्र के बारे में ही सोचा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, यानी कि इस कारण ही तो आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर मैंने दूसरों के बारे में सोच लिया होता, अपने स्वार्थ को छोड़ दिया होता, आज ये स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि राजा दशरथ की मृत्यु हो गई है, तुम मन में आ गए हो, पुत्र जो मेरा है आज वह भी पुत्र मेरा नहीं रहा, इस कारण ही तो आज ये बाधा उत्पन्न हो गई है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यानी युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, यानी एक ऐसी रानी हुई थी रघुकुल में जिससे उसका विनाश। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, शिक्षक क्या है बताया था अभी आपको, केकई का अनुसार, तो कवि कौन है, मैथिलीशर ग्रुप। अब आता है रेखांकित अंश की व्याख्या,
तो इसमें यहां से लेके इसमें आपकी अंडरलाइन होगी, मैं बताती हूँ आपको। माता ने कुमाता पुत्र पुत्र धरी, अब कहें सभी हाय बुलाता है पुत्र पुत्री माता। ठीक है बेटा, तो इसकी व्याख्या कर रखी है इन्होंने। केकई श्री राम से कहती कि आज तक मनुष्य यही कहते आए थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी दुर्भाव नहीं रखती। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का उस उक्ति पर से विश्वास करता है और संसार के लोग यही कहा करेंगे कि माता दुष्टापूर्ण व्यवहार कर सकती है परंतु पुत्र कभी पुत्र नहीं हो बेटा। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 3, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो। पुत्र तो गलत हो सकता है लेकिन माता कभी पूरी नहीं हो सकती। अब अगला क्वेश्चन क्या है, किसने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर देखा उसका दिल हृदय नहीं देखा। अभी बताया था ना मैंने आपको, केकई कहती है कि मैंने अपने पुत्र का कोमल शरीर देखा लेकिन उसके मजबूत हृदय को नहीं देखा। क्या लिखेंगे, केकई ने प्रायश्चित किया था कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा उसका दिल हृदय नहीं। अगली पंक्ति, इन पंक्तियों में केकई को किस बात पर पश्चाताप हुआ। इन पंक्तियों में केकई को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को न पहचान पाने का पश्चाताप। कलंक कैसा लग गया कि अब सब यही कहेंगे कि रघुकुल में रानी की का विनाश कर दिया, यानी कलंक लग गया और मैं अपने पुत्र को नहीं समझ पाया, तो इसी के लिए वह पश्चाताप कर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चनों के हमें आंसर देना है। अब अगला मुझको यह प्यारा इसे तुम प्यारे, मेरे दुखने प्रिय रहो ना मुझसे। आप क्या कह रही है इसे श्री राम से कि मुझे भरत बहुत प्यारा है और इसे तुम प्यारे और इसे तुमसे अधिक प्यारा कोई भी नहीं, यानी कि इसे तुम बहुत प्यारे हो तो इसलिए तुम तो मेरे लिए दुगने प्रिय हो, अब तुम मुझसे हमसे अलग मत रहो। मैं इसे न जाने किंतु जानते हो तुम, यानी कि मैंने अपने पुत्र को नहीं जाना लेकिन तुम इसे भली प्रकार जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो तुम, यानी कि हमेशा तुमने अपने से पहले इसके बारे में सोचा है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसे, यानी तुम चारों भाइयों का आपस में जो प्रेम है, यदि यह सब पर यो प्रकट हुआ है, वैसे यानी कि आज ये सबको के ऊपर प्रकट हुआ है, इस तरीके से पता चल गया है, तो पाप दोष भी तुमने पोषण देना, यानी मैंने जो पाप किया है वह भी पुण्य में बदल जाएगा, यानी वह भी पुण्य के समान। मैं रहूं पंखिला, यानी कि मैं तो कीचड़ हूँ, पदम कोश है मेरा लेकिन कीचड़ में क्या खिलता है, कमल, तो ऐसे ही यह कीचड़ से खिला हुआ एक कमल है, यानी कि भरत को कह रही है कि मैं तो क्या हूँ कीचड़ और भरत को क्या बता रही है, कमल के फूल के हम। तो अब इसमें क्या आता है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम वही आएगा, क्या है शीर्षक इसमें लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य में हमारी पाठ्य पुस्तक कामवेंद्री में संकलित केकई का अनुताप शीर्षक से लिया। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, किसकी रेखांकित अंश की व्याख्या। अब क्या है इसमें रेखांकित अंश, केकई श्री राम से कहती है कि राम मुझे यह भरत प्रिय और भरत को तू प्रिय हो फादर। जो पूरे पैराग्राफ केकई श्री राम से कहती है कि हे राम
मुझे भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इस प्रकार तुम मुझे दूसरे प्रिय हो। तुम दोनों भाइयों के बीच जिस प्रकार का प्रेम सब लोगों के सामने प्रकट हुआ है, उससे तो मेरे पाप का दोष भी पुण्य के संतोष में बदल। मुझे तो यह संतोष है कि मैं स्वयं कीचड़ के समान निंदनीय हूँ, किंतु मेरी कोख से कमल के समान निर्मल भरत को जन्म। अब अगला क्वेश्चन है, श्री राम का कौन प्यारा है? श्री राम का प्यारा कौन था? भरत। तो श्री राम का भरत प्यारे है। केकई को कौन दुगने प्रिय है? केकई को दुगने प्रिय कौन हो गए? श्री राम, क्योंकि केकई को भरत प्रिय और भरत को राम प्रिय, इसलिए केकई और राम और भरत दो गुने प्रिय है। मैं रहूं पंखिला पदम कोश है मेरा, पंखी भी कौन सा अलंकार है, इसमें है रूपक यानी अभेद रहित आगम कि मैं रहूं पंखिला पदम कोश है, यहाँ कौन सा है? रूपक। अब हम करते हैं अगला, अब ये वाला देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल केकई सोच। अब क्या कह रही है केकई? श्री राम से कह रही है कि अगर यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, कि अगर सबने रानी की ओर ये केकई स्वर को सबने रानी की ओर अचानक देखा, वे दिव्य पुष्पवत विभूति देखा। यानी कि अगर यह सच है कि तुम मानते हो कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, तो अब तुम घर वापस लौट चलो। यह सुनकर केकई के ऐसे स्वरों को सुनकर जो सभा में सब उपस्थित थे, वह चौंककर उनकी ओर देखने लगे, यानी रानी की ओर अचानक से देखने लगे। यानी के केकई श्वेत वस्त्र धारण करे हुए किसके समान प्रतीत हो रही थी? चांदी चांदनी के समान, यानी वो वैधव्य रूप में चांदनी की, जैसे कोई चांदनी की ओर ढक लेता है, उसी प्रकार वह प्रतीत हो रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगना, और जो सारी सभा थी वह स्थिर हुए बैठी हुई थी, उनके मन में अनेकों विचार उठ रहे थे। वह सिंहनी अब थी हा गौमुखी गंगा, यानी कि जो कभी शेरनी थी आज कैसे गंगा के सम्मान में शांत हो गई है। हा जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, यानी कि हाँ मैंने जन्म दिया है भरत को, लेकिन मैं उसे जान नहीं सकती। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यानी उपस्थित सब सुने कि तुमने यह बात अभी खुद स्वीकार की है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, यानी यह बात सच है तो बेटा तुम अब घर को वापस लौट चलो। अपराधनी मैं हूँ तात तुम्हारी हूँ, यदि कि तुम्हारी अपराधनी मैं हूँ तुम्हारी माता, इसमें भरत का कोई दोष नहीं है। अब पहला आता है क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश में किसे अपराध बोध से ग्रस्त दिखाया गया? केकई को दिखाया गया था। प्रस्तुत पद्यांश में केकई को अपराध बोध से ग्रस्त दिखाया गया, यदि राम को घर लौटने का अनुरोध करते हुए सही रास्ते पर चलते हुए दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन आता है, केकई के मुख से किस बात को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, विस्मित रह गए? केकई के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, यदि यह बात सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भुलाकर अयोध्या चलो, जिसके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी, तो उसे भुलाकर तुम अब घर को वापस चलो। अगला क्वेश्चन तीसरा, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने केकई के किस रूप का वर्णन किया? प्रस्तुत पद्यांश में विधवा केकई के श्वेत वस्त्र धारण कर ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो जैसे चारों तरफ किसी ने चांदनी को ढक लिया। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी केकई के मन में विचारों की अनेक तरंगे उठ रही थी। कभी जो शेरनी के समान थी, वे आज कैसी बन गई? दीनता के भाव से भरी हुई थी, यानी गंगा के समान शांत हो गई।
कुशल मचाल। कैकेयी स्वयं को दोषी मानते हुए राम से क्या कहती है? कैकेयी स्वयं को दोषी मानते हुए राम से कहती है, यदि तुम्हारी कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट जाओ। अपराधी मैं हूँ भरत नहीं, तुम वन में भेजने तुम्हें यानी के वन में जो भेजा का अपराध क्या वो मैंने किया, इसके लिए मुझे दो दंड देना चाहोगे उसे मैं स्वीकार करूँ, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी। अब अगला क्वेश्चन आता है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा रस दर्शाया गया, यानी कि यहाँ कौन सा रस है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी के अपराध बोध से उत्पन्न शोकाकुल अवस्था के कारण यानी क्या है शोक, तो यहाँ पर कौन सा होगा करुण रस, इसका स्थाई भाव क्या होता है शोक, ठीक है बेटा, तो यहाँ कौन सा होगा करुण। अब आता है तीसरे पैराग्राफ, देखिए, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वास, यानी कि मैं क्या कह सकती इसमें मंत्रा दासी को क्या दोष दूं, वो क्या कर सकती थी जब मेरा ही मन ने अविश्वास उत्पन्न हो गया तो उसमें मंत्रा को मैं दोष कैसे दूं। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, यानी इस शरीर रूपी पिंजरे के अंदर जो मेरा मन है कि वह अधीर हो गया था तो उसे कोस रही है, वो कह रही है वे ज्वलित भाव से स्वयं मुझी में जागे, यानी मेरे इस मन में उस समय वे ज्वलित भाव ईर्ष्या वाले भाव जागे थे, पर था केवल क्या चलित ज्वलित भाव ही मन में, लेकिन क्या उस समय सिर्फ एक ईर्ष्या का भाव ही मन में रह गया था, क्या शेष बचा कुछ ना और जन्म, यानी कि इसके अलावा और कुछ क्या शेष ही नहीं रहा था, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, यानी कि अपने पुत्र के मुंह के अलावा मेरे लिए और किसी चीज की कोई कीमत ही नहीं रह गई थी, कोई नैतिकता ही नहीं रह गई थी, पर आज अन्य सा हुआ वक्त भी मेरा, लेकिन आज जिस पुत्र के लिए मैंने ये किया वह भी औरों के समान हो गया, आज वह भी मुझसे घृणा करने लगा है, थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, क्यों ना तीनों लोग मुझ पर क्यों ना थूके, यानी जो जी में आए वो कहे, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, यानी कि जिसके मन में जो आएगा वो वही कहेगा, वह कहने से क्यों चूकेगा, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन जो भरत का माता का पद है वह मुझसे मत छीने, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुम्हारे से और क्या विनती कर सकती हूँ कि तुम मुझे जो भरत है उसके मन में माता के पद को बना रहने दो, यानी कि तुम वापस चलोगे तो वह मुझे अपना लेगा। तो अब इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी को किस विवशता को यानी कि उसकी किस विवशता को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी ने अपनी उस विवशता को प्रस्तुत किया है जब एक माँ संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है परंतु इसके पश्चात भी उसे अपनी संतान से प्यार नहीं मिलता। आगे बात सुनिए बेटा, अब आगे क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, कैकेयी मंत्रा को निर्दोष बताते हुए क्या कहती है, कैकेयी मंत्रा को निर्दोष बताते हुए कहती है कि ये मंत्रा तो साधारण सी दासी है, वह भला मेरे मन को कैसे बदल सकती है, सच तो यह है कि स्वयं मेरा मन ही अविश्वासी। अगला क्वेश्चन नंबर, कैकेयी अपने अंतर मन को अभागा और अधीर मानकर क्या कहती है, कैकेयी अपने अंतर मन को अभागा और अधीर मानकर कहती है कि मेरे मन में स्थित है मन ईर्ष्या द्वेष से परिपूर्ण वे ज्वलन भाव स्वयं तुझ में ही जागे थे, यानी के वह अपने मन को कोस रही है। कैकेयी अपने कर्मों पर पछताते हुए क्या कहती है, कैकेयी अपने कर्मों पर पछताते हुए कहती है कि तीनों लोक अर्थात धरती आकाश और पाताल मुझे क्यों ना धिक्कारे, मेरे विरुद्ध जिसके मन में जो आए वह क्यों ना रहे, किंतु हे राम मैं तुझसे दीन स्वर में बस इतनी विनती करती हूँ कि मेरा मात्र पद अर्थात भरत को पुत्र कहने का मेरा अधिकार मुझसे ना छीना। तो इस प्रकार कैकेयी क्या करती है, श्री राम से विनती करती है।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5, ज्वलित और विश्वासी शब्दों में प्रत्यय शब्दांश झारखंड के। प्रत्यय तो पता है आप लोगों को कि जो पीछे लगते हैं, किसी शब्द में एक प्रत्यय पीछे लगकर नया अर्थ निकलता है। ज्वलित, इत ज्वलित, ई और त ज्वल, तो क्या ज्वलित इत, इसमें क्या है प्रत्यय इत। विश्वासी, विश्वास पर ई की मात्रा आ गई तो ई, विश्वास होता है उसमें लग के विश्वासी, तो क्या है यहाँ पर ई है। इस तरीके से आपको ठीक है बेटा। अब देखिए इसका गीत कौन सा देखेंगे, अब हम गीत गीत का पहला पैराग्राफ देखिए। विरक सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मत आए। यानी के गीत में किसका उर्मिला का वर्णन किया, मैथिली शरण बुक ने गीत में किसका वर्णन किया है, किसका उर्मिला, कि जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वन चले गए थे तो उर्मिला अपनी सखी के साथ कहाँ घूम रही थी, बगीचे में, तो कह रही थी देखो सखी ये खंजर रूपी पक्षी यहाँ आ गए, फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। यानी के लक्ष्मण के लिए कहती है कि उन्होंने नेत इधर घुमाए होंगे जिससे कि पक्षी वहां से उठकर यहाँ आ गए। फैले उनके तन का आतप मन में सरसराए, यानी के उनके शरीर का ताप चारों फैल गया होगा और मन ही मन मुस्कुराए। घूमे वे इस और वहां ये हंस यहाँ उड़ाए, तो उन्होंने अपना जो मुक्ता वो इधर घुमाया होगा जिससे कि ये हंस रूपी जो पक्षी है यहाँ पर उड़ आए हैं। करके ध्यान आज इसे जन का निश्चय वे मुस्कुराए, यानी यहाँ का स्मरण करके वे अवश्य ही मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, यानी कमल खिल गए हैं, अधर से यह बंदूक स्वाय और अधरों के सम्मान ये लाल रंग के बंदूक के फूल भी क्या है खिल उठे हैं। स्वागत स्वागत शरद, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, हे शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है कि मैंने बड़े भाग्य से तुम्हारे दर्शन पाए। नभ से मोती वाले, यानी आकाश ने भी मोती भी, यानी कि ओस की बूंदे टपकने लगी। लोहे अश्रु अधैर्य भर लाए, यानी के मेरे नेत्रों में तो आंसू आ रहे हैं कि आकाश भी मोती रूपी आंसुओं को परसाने लगा है। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम, शीर्षक क्या है गीत और कवि कौन है मैथिली शरण। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हे शरद, शरद ऋतु तुम्हारा स्वागत है क्योंकि तुम्हारे आगमन पर मैंने खंजन पक्षियों में प्रिय के नेत्रों का, धूप में प्रिय के तप का, हंसों में उनकी गति और हास्य तथा बंदूक पुष्पों में उनके अधरों का आभास पाया। आकाश ने ओस की बूंदों के रूप में मोती न्योछावर कर तुम्हारा स्वागत किया और मैं अपने आंसुओं का धैर्य देकर तुम्हारी बढ़ी क्या हूं अभ्यर्थ न करती हूँ, यानी तुम्हारा स्वागत करती हूँ। अब क्वेश्चन है, उर्मिला द्वारा किस ऋतु का स्वागत किया गया है। उर्मिला द्वारा शरद ऋतु का स्वागत किया गया है। हंसों को देखकर उर्मिला का क्या अनुमान लगाती है। हंसों को देखकर उर्मिला यह अनुमान लगाती है कि प्रीतम इस ओर घूमे होंगे, निश्चय मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे, इसीलिए वह हंस यहाँ उड़कर चले आए। बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने किसका आभास पाया। बंदूक पुष्पों में उर्मिला ने प्रियतम के अधरों का आभास पाया, यानी कि लक्ष्मण के जैसे लाल फोटो के रूप में पुष्पों क्या बंदूक के पुष्पों को खिले हुए। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरलना गारो, मुझे विकलता तुम्हें भूफलता ठहरो शंपरी।
नहीं भोगनी है मैं कोई, जो तुम जान बतावे, पल हो तो सिंधु बिंदु या हरने की, रूप दरब कंदर तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, ले यो तेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। अब इसमें क्या कह रही है केकई, वो कौन कह रही है, उर्मिला, कि मुझे फूल मत मारो, कि मुझ पर फूलों की वर्षा मत करो, यानी कि वसंत ऋतु आ गई है। कौन सी ऋतु आ गई है, वसंत ऋतु, कि उसे फूलों की वर्षा होने लगती है। तो कामदेव से कह रही है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला भी होंगी, मैं तो एक अबला हूँ, एक बाला हूँ, यानी कि वियोग में तड़प रही हूँ, कुछ तो दया विचारो, मुझ पर कुछ तो दया करो, होकर मधु के मीत मदन, तुम किसके मधु के मित्र हो, पटु तुम कटु गरलना गारो, यानी कि तुम इतने चतुर मत बनो, यानी कि तुम मुझे पर कुछ तो, मैं क्या हूँ, वियोग से तड़प रही हूँ, ऊपर से तुम ये विष रूपी, यानी कि जो वसंत ऋतु में सुख अनुभूति देते हैं वह सब चीज मुझे क्या है, क्षति पहुंचा रही है, अर्थात वह सब मुझे और भी दुख पहुंचा रही है, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, मुझे तो क्या है व्याकुलता मिलेगी और तुम्हें कोई सफलता नहीं मिलेगी, ठहरो श्रम पहलो, अपने श्रम को बेकार मत करो, नहीं भोगनी है मैं कोई, यानी मैं भोग करने वाली कोई वस्तु नहीं हूँ, जो तुम अपने जाल को फैला रहे हो, बल हो तो सिंदूर बिंदु ये हर नेत्र निहारो, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो जो मेरे मांग में सिंदूर लगा हुआ है यह शिव के तीर से नेत्र के समान है, तो इसको तुम देखो, रूप दरब कंदर तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, यानी के तुम्हें अगर अपने रूप पर बड़ा घमंड है तो वह मेरे पति पर न्योछावर कर दो, लो ये मेरी चरण धूलि, उर्मिला कह रही है किससे, कामदेव से, कि मेरे चरणों की धूल लो और अपनी पत्नी रति के सिर पर धारण। अब इसमें क्या पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कविता, ये भी साकेत महाकाव्य के गीत शीर्षक से लिया गया, उसके रचयिता है मैत्री चरण, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब क्या की गई इसमें व्याख्या, राम के वन गमन के समय सीता राम के साथ ही रहती है, भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां मांडवी और श्रुति कीर्ति भी उनसे अलग नहीं होती, मात्र उर्मिला ही अपने पति से अलग रहती है, क्योंकि लक्ष्मण राम के साथ ही वन को गए हैं, उर्मिला के विरह वर्णन में परंपरागत रूप में षड ऋतु वर्णन का चित्रण करने के साथ साथ, यानी छह ऋतुओं का वर्णन करने के साथ साथ लाक्षणिक वैचित्र्य की झलक भी दिखाई गई है, यानी उसका लक्षण क्या है, वसंत ऋतु के आगमन पर उर्मिला कामदेव से आग्रह कर रही है कि वे उनके ऊपर पुष्पों की रूपी बांधने चलाए, क्योंकि वे एक अबला है, विरहिणी स्त्री है, पुराणों के अनुसार कामदेव को काम वासना के अधिष्ठाता ईश्वर के रूप में माना है, कामदेव की साथी सहयोगी वसंत ऋतु है, वाहन कोयल नामक पक्षी है, तथा लड़ाई के अस्त्र फूलों से बने हुए धनुषों बाण, इसीलिए उर्मिला फूलों से न मारने के लिए आग्रह करती है। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, वसंत का मित्र कौन है, वसंत का मित्र कौन था, कामदेव। अगला क्वेश्चन, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया, अपने सिंदूर बिंदु को, किसको बताया था, अपने सिंदूर बिंदु को, उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया। अगला क्वेश्चन, उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया, उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया, इसीलिए कहा है कि अपने रूप पर अगर तुम्हें घमंड है तो उसे मेरे पति पर न्योछावर कर दो, तुम उससे सुंदर। तो इस तरीके से हमें क्या आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, क्वेश्चंस दिए होंगे और उनके आंसरों को हमें बताना होगा। बेटा कोई फिर भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि कहीं कोई दिक्कत है, ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।